विधियो इंदौर की गलियों में विराट ने खेला क्रिकेट, बच्चों के साथ बाएं हाथ से की बल्लेबाजी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान में लौटने को तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम लेने के बाद विराट अपनी पत्नी अनुष्का संग भूटान में छुट्टियां मनाते दिखे थे। उनकी गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की कमान संभाली थी, जिसमें टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। हालांकि अब विराट एक बार फिर से टीम के साथ जुड़ चुके हैं और मैदान में दम दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन विराट ने मैच से 2 दिन पहले नेट में नहीं बल्कि बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलकर अभ्यास किया। 14 नवंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए दोनों टीम इंदौर पहुंच चुकी है। वहीं विराट ने इन सब के बीच समय निकालकर बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताया। वे इंदौर के एक अपार्टमेंट के बच्चों के साथ नेट प्रैक्टिस की जगह गली क्रिकेट खेलते दिखे। पहले टेस्ट मैच से 2 दिन पहले विराट एक एड शूट के लिए इंदौर के श्रीजी वैली अपार्टमेंट पहुंचे। विराट वहां जीन्स और शर्ट पहनकर पहुंचे थे और उसके बाद वे वहीं बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने लगे। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले विराट बच्चों के साथ बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते नजर आए। विराट को देख वहां उनके फैंस भी काफी संख्या में उन्हें देखने पहुंच गए और बाद में उनकी तस्वीरें वायरल हो गई।